क्रूस ख्रिस्तियों का चिन्ह और पहचान है। ये केवल दो लाइनों से नहीं बनाया जाता, केवल कुछ शब्द बोलकर इस कार्य को नहीं करते, इसमें बहुत ही गहरा अर्थ है। हम उन बातों को आज जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम क्रूस के चिन्ह का इतिहास और उसमें प्रयोग करने वाला जो हाव भाव यानी जेस्चर, जैसे हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, और उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द, और इसको जैसे हम वचन में बाइबल में देखते हैं, पढ़ते हैं, और क्रूस के चिन्ह करने के अलग अलग तरीके और उसका अर्थ, और इसको किस रूप में हम अर्थपूर्ण रूप से बना सकते हैं और बनाना चाहिए, इन महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखिए। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूं, उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। संत पौलुस गलातियों के नाम अपने पत्र अध्याय 6 पद संख्या 14 में ऐसे लिखते हैं। आज हमारा विषय है क्रूस का चिन्ह। प्रारंभिक कलीसिया से लेकर आज तक क्रिस्तीय विश्वासी या क्रिस्तीय लोग या क्रिस्तीय धर्म एक प्रकार से क्रूस के चिन्ह से पहचाना जाता है। यह हर प्रकार के लोग उपयोग करते हैं, वो कैथोलिक हों, गैर कैथोलिक हों, प्रोटेस्टेंट हों, जो भी हों, क्रूस के चिन्ह का प्रयोग जरूर करते हैं। मतलब क्रूस का चिन्ह का मतलब ये नहीं कि जैसे क्रिस्तीय बनाते हैं अपने शरीर में, बल्कि जो चिन्ह अपने घरों में या गाड़ी में या अलग अलग जगहों पर रखकर प्रयोग किया जाता है, प्रार्थना सभाओं में भी। लेकिन मेरे लिए भी जब मैं इस विषय के बारे में जानने और इस पर एक एपिसोड बनाने की, विशेष रूप से मिसा बलिदान में जैसे इसका प्रयोग होता है, उसके लिए मैं अध्ययन करने की कोशिश किया, और मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया कि इतने साल होने के बावजूद मैं स्वयं इस सबसे महत्वपूर्ण सबसे छोटी प्रार्थना का जो महत्व है, उसका जो अर्थ है वास्तव में, उसको मैं स्वयं नहीं जान रहा था। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर इस माध्यम से मुझे भी यह अवसर, यह अनुग्रह दिए कि मैं इस महान रहस्य को जानने पाऊं। क्रूस के चिन्ह को हम एक प्रकार से, आज जब हम मोबाइल युग में हैं, इंटरनेट युग में हैं, इसमें हम एक पासवर्ड के रूप में हम सोच सकते हैं, इसको ले सकते हैं। किस चीज का पासवर्ड? वाईफाई का पासवर्ड। यानी ईश्वर की कृपा का जो भंडार है, उसको खोलने की जो चाबी है, उसका जो पासवर्ड है, वो क्रूस है। इसमें उतनी शक्ति है। वास्तव में इस एपिसोड में हम उन बिंदुओं पर मनन नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में हम उस पर मनन करेंगे। वो 20 से भी ज्यादा अनुग्रह और वरदान हमें इस छोटी सी और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा हमें मिलती है, उन पर हम आने वाले दिनों में मनन करेंगे। लेकिन ये एक पासवर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बिना ना तो कोई प्रार्थना प्रारंभ होती, ना कोई कार्य प्रारंभ होता हमारे क्रिस्तीय व्यक्तियों के बीच में। जैसे पिछले एपिसोड में भी, जहां हम कैथोलिक विश्वासी का इससे पवित्र वचन का, पवित्र बाइबल का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसमें भी हम इस पर मनन किए थे। यदि आप उस एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर आप उसको देखिएगा, क्योंकि वहां हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ और अंत, यानी हर दिन का शुरुआत और समापन क्रूस के चिन्ह से होता है। हर कार्य, भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद, इस प्रकार कोई भी कार्य हम ले, हर कार्य एक क्रिस्तीय विश्वासी क्रूस के चिन्ह से प्रारंभ करता और समाप्त करता है। ये इतना महत्वपूर्ण, एक शक्तिशाली प्रार्थना है। इसका इतिहास यदि हम देखें तो वास्तव में पवित्र बाइबल जैसे हमारे हाथ में आज है, इससे भी ये पुरानी प्रार्थना। जैसे पिछले एपिसोड में हमने मनन किया था कि कैसे पवित्र बाइबल तीसरी चौथी सदी के बाद में ही आज का जो रूप है, उसको वो रूप मिला, उसको ये मान्यता मिला कलीसिया के द्वारा, ये स्वीकृति मिली थी। लेकिन ये क्रूस का चिन्ह की जो प्रार्थना है, ये वास्तव में ये प्रारंभिक कलीसिया में, यानी पहली सदी में ही इसका प्रयोग किया जाता रहा है। विशेष रूप में हमें ये दूसरी सदी के एक लेख हमें मिलता है इसका। मैं उसका अंग्रेजी जो डिस्क्रिप्शन है, उसके जो
शब्द है, मैं उसको आपको दे रहा हूं। दूसरी सदी के एक महान क्रिस्तीय विश्वासी जिनका नाम है टर्टुलियन, वे इसके बारे में अपने लेखों में बताते हैं। इस नाम को ध्यान में रखिएगा, ये हमारे क्रिस्तीय विश्वास को जानने में हमें बहुत मदद की है। ये बताते हैं कि हम अपने जीवन के हर यात्रा, हर कार्य, हमारे घर आना या जाना, हमारे जूते पहनने में, नहाने के पहले, खाने के समय, मोमबत्ती जलाते समय, लेटते समय, बैठते समय, और जो भी हम कार्य करते हैं, हम क्रूस के चिन्ह से अपने आप को, विशेष रूप से अपने माथे को हम चिन्हांकित करते हैं, यानी क्रूस का चिन्ह हम बनाते हैं। हम सोचते हैं, वास्तव में मैं भी सोच रहा था कि इसका इतिहास क्या होगा, लेकिन इतने विस्तार रूप से कि जैसे हम आज करते हैं वैसे ही ये प्रारंभिक कलीसिया में रहा है कार्य। इसलिए कैथोलिक विश्वास और कैथोलिक परंपरा जो है, इसलिए इतना मूल्यवान और इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया वास्तव में ना केवल पवित्र बाइबल को बल्कि उसके साथ साथ परंपरागत शिक्षाओं को ले चलती है, क्योंकि बाइबल की बातों को आपको गहरे रूप से समझना है, सही ढंग से समझना है, तो हमें वास्तव में जो पारंपरिक शिक्षाएं जो हैं वो भी जरूरी है। इसके बारे में हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। मैं इसके अंदर इसको नहीं लेके आना चाहता हूं, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। तो ये बात स्पष्ट है कि ये जो क्रूस का चिन्ह की जो प्रार्थना आज आप और मैं करते हैं या क्रिस्तीय विश्वासी करते हैं, ये कोई नई प्रार्थना नहीं, ये बहुत ही पुरानी, विशेष रूप से पहली सदी यीशु के शिष्यों द्वारा और उस समय से प्रारंभ की गई एक प्रार्थना है। ना केवल वो जो शब्द है वो तो बाइबल में ही पाया जाता है, बल्कि जिस रूप में इसका क्रूस के चिन्ह से हम अपने आप को अंकित करते हैं, चिन्ह जैसे हम बनाते हैं अपने शरीर में, ये भी प्रारंभ से ही रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो क्रूस का चिन्ह की जो प्रार्थना है, इसमें दो भाग है। पहला है जो हाव भाव यानी जेस्चर्स हम जो बनाते हैं, दूसरा है जो शब्द हम प्रयोग करते हैं। इस हाव भाव का अर्थ भी इतना गहरा है, मैं जब इसके बारे में अध्ययन किया या इसको जाना, मैंने अपने आप से कहा मुझे तो इसको बहुत पहले ही जानना चाहिए था, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है इसको। अब देखिए, इसके बारे में हम बहुत सारे संतों के लेख से हम देख सकते हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से महान संत फ्रांसिस डी सेल्स के लेख से ले रहा हूं। उसका भी जो अंग्रेजी लेख है, मैं आपके लिए स्क्रीन में दे रहा हूं, आप देख लीजिए। मैं उसका पूरा अनुवाद नहीं कर रहा हूं, उसमें जो विशेष बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको केवल मैं आपको बता रहा हूं। हम अपने हाथ अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर रखते हैं और कहते हैं पिता, ये बताने के लिए कि जो पवित्र त्रित्व का जो पहला व्यक्ति है वो पिता है। इसलिए हमारा हर कार्य पिता के नाम से प्रारंभ होता है, ना केवल पवित्र त्रित्व के बल्कि पिता के नाम पर, क्योंकि वही शुरुआत। और हम अपने हाथ नीचे अपने छाती के पास, छाती के ऊपर रखकर कहते हैं और पुत्र। हम इसमें इस सत्य को प्रकट करते हैं कि पुत्र पिता से उत्पन्न हुए हैं। हम हर रविवार और महत्वपूर्ण त्योहारों में जो धर्मसार यानी निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल का जो धर्मसार हम जो बोलते हैं, पढ़ते हैं या प्रयोग करते हैं, उसमें हम इसके बारे में देखते हैं कि पुत्र पिता से उत्पन्न हुआ है। तो हम पिता अपने माते पर और पुत्र अपने हृदय के पास, अपने छाती में अपना हाथ रखकर ये बताते हैं कि पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ है। और ना केवल पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ है, और ये प्रकट करता है, संत फ्रांसिस डी सेल्स बताते हैं कि ये प्रभु येसु के शरीर धारण को भी बताता है। ईश्वर नीचे उतर कर आए, मरियम के शरीर में आए पुत्र ईश्वर। तो ये दोनों बातें यानी उनका जो पिता से उत्पन्न होने की जो सच्चाई और उनका जो शरीर धारण है, पुत्र ईश्वर और वही पुत्र जो शरीर धारण कर येसु के रूप में इस धरती पर आए, दोनों बातों को ये जब हम अपना हाथ नीचे अपने छाती पर लेके आकर कहते हैं और पुत्र, हम इन महान रहस्यों का स्मरण करते हैं और अपना विश्वास भी प्रकट करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हाथ हम बाएं कंधे पर रखते हैं,
और उसके बाद वहां से अपना हाथ दाएं मोर लेके आकर अपने दाएं कंधे पर रखते हैं और हम कहते हैं और पवित्र आत्मा के नाम पर। यहां इस सच्चाई को देखिए, एक कितने गहरी एक सच्चाई है और महान रहस्य है। हम उस धर्मसार में ये प्रकट करते हैं, ये बताते हैं, या कलीसिया में सिखाती आई है कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से उत्पन्न हुए हैं या प्रसृत हुए हैं। अंग्रेजी में प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर एंड द सन, दोनों से। और इस महान रहस्य को कलीसिया हमें ऐसे सिखाती है, समझाती है कि वो प्रेम है जो पिता और पुत्र को बांध के रखता है। पिता और पुत्र के बीच का वो प्रेम संबंध है। यदि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझिए कि पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से प्रसृत हुए हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम द फादर एंड द सन। तो उस सच्चाई को हम यहां बताते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हम पवित्र त्रित्व की सच्चाई को, उस महान रहस्य को हम यहां प्रकट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो क्रूस का चिन्ह, हम जानते हैं क्रूस जिस पर प्रभु येसु अपने आप को बलि चढ़ाकर अपना प्रेम हम पर प्रकट किए, तो उस क्रूस के द्वारा जो भी कार्य येसु संपन्न किए उस पर हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं। और इस प्रकार इस छोटी सी प्रार्थना और इस छोटे से कार्य के द्वारा हम उनके दुख भोग और क्रूस मरण के जो फल हैं उनको हम याद कर रहे हैं, उसको हम अपनाते जा रहे हैं। इसलिए मैं वो जो उदाहरण दिया था पासवर्ड का, वाईफाई का पासवर्ड, यानी इस महान कृपा के भंडार का एक छोटे से एक पासवर्ड जिसके द्वारा हमें सारी कृपा दान मिल सकती है। और इसके साथ साथ संत फ्रांसिस डी सेल्स कहते हैं, जब हम बाएं से यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जाते हैं तो वहां हम हमारे पाप से या शाप जो हमें मिला था शुरू में, उससे हम निकलकर हम ईश्वर की कृपा में, ईश्वर की मुक्ति में हम प्रवेश करते हैं। तो यहां से हम एक यात्रा कर रहे हैं, हम बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, हम अंधकार से ज्योति की ओर जा रहे हैं। देखिए कितना गहरा है यार, ये मेरी बात नहीं है, एक महान संत संत फ्रांसिस डी सेल्स का कथन है ये। ये केवल नहीं है, जैसे मैंने कहा इस प्रकार हम बहुत सारे लोगों का देख सकते हैं। आप और भी जानना चाहते हैं आप नेट में जाके ढूंढिए, इसकी जो व्याख्या है क्रूस के चिन्ह का, उसका इंटरप्रिटेशन है ये, या उसका अर्थ हमें जैसे समझना चाहिए उसको आप बहुत ढूंढ सकते हैं। गूगल करके देखिए, आपको बहुत सारे मिलेंगे और पुस्तकों में भी मिल सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस सबसे छोटी प्रार्थना और सबसे छोटे कार्य के द्वारा हम त्रिएक ईश्वर की उस महान रहस्य, पवित्र त्रित्व के महान रहस्य और येसु के मुक्ति कार्यों को हम उसी एक क्षण में ही हम सब कुछ को याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं और अपना विश्वास उस पर प्रकट करके हम उनके कृपा दानों को अपनाते हैं। साथ ही और भी बहुत कुछ होता है उसके साथ, उनको हम आने वाले समय में हम मनन करेंगे। अभी बात ये उठ सकती है कि ये क्रूस का चिन्ह हम जो क्रिस्तीय बनाते हैं अपने माथे पर, अपने शरीर में, क्या वास्तव में ये बाइबल पर आधारित है और इसका कोई महत्व हो सकता है? चलिए उसी पर हम मनन करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में हम काइन के बारे में सुनते हैं। काइन, यदि आपको जानकारी नहीं है, ये आदम और हेवा का पहला पुत्र है, पहला बेटा है। काइन अपने छोटे भाई हाबिल का वध कर देता है, हत्या कर देता है जलन के कारण, और ईश्वर इसको दंड देते हैं, जिसके बारे में हम अध्याय 4 में देख सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के। उसमें दंड देते समय ईश्वर कहते हैं, पद संज्ञा 12 से 15 मैं पढ़ रहा हूं, स्क्रीन में भी है, देख लीजिए। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी, तुम आवारे की तरह भूमि पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता, तुम मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है, मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा, मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। पद संज्ञा 15 में ईश्वर कहते हैं, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे
इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। ईश्वर ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। ये चिन्ह उन्हें वास्तव में एक नई पहचान देता है, उन्हें दूसरों से बचाता है, दूसरों से अलग करके रखता है। इस बात को ध्यान में रखें हम। यह एक घटना है जो हम बाइबल में पाते हैं। यानी यह जो चिन्ह है वो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग करके दिखाता है, दर्शाता है। दूसरी बात है, वो चिन्ह उस व्यक्ति का ईश्वर के साथ संबंध को प्रकट करता है, यानी ईश्वर उसकी रक्षा करता है। भले वो हत्यारा है फिर भी ईश्वर उसकी रक्षा करता है। ये कहीं ना कहीं ये जो मुक्तिकारी है ईश्वर का, उसकी एक पूर्वाभास। हम भी जो पापी हैं, हत्यारे हैं, ईश्वर अपने पुत्र के उस क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति दिलाए और उसके चिन्ह से हमें अंकित किए हैं। इसके बारे में आगे जब हम जाएंगे तब आप और भी गहरे रूप से इस बात को समझेंगे। दूसरा है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12। ये पूरा अध्याय पास्का भोज के बारे में, रात को पास्का का जो भोजन के बारे में ईश्वर मूसा और इसराइलियों को जो आदेश दे रहे थे वहां मिस्र देश में, उसके बारे में है। वहां ईश्वर उन्हें आदेश देते हैं, जो मेमना रहेगा उसका रक्त उन्हें चौकट पे लगाना था, वो एक चिन्ह था। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 7 में लिखा है, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा दरवाजों की चौकट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। पद संख्या 23 में लिखा है, प्रभु देश का परिभ्रमण करते हुए मिस्रियों को मार डालेगा। जब वह चौकट और द्वार के दोनों बाजुओं पर वह रक्त देखेगा तो वह उस द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हें मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। वो एक चिन्ह है। जैसे मैं पहले इसके पिछले पार्ट में भी जो व्याख्या किया था आपको बताया, ये दो कार्य करता है। एक है ये दूसरों से अलग करता है उस व्यक्ति को, दूसरा है ये ईश्वर के साथ उसके संबंध को दर्शाता है, यानी ईश्वर की सुरक्षा उनकी मुक्ति को भी प्रकट करता है, दर्शाता है। दो कार्यों को विशेष रूप से प्रकट करता है ये चिन्ह। यहां भी हम वही बात देख रहे हैं, ये अन्य सभी लोगों से विशेष रूप से मिस्रियों से ये अलग करके दिखा रहा है यहूदियों को, और ये मृत्यु से उनके पहलौठे पुत्रों को बचाता है। ये एक पूर्वाभास है। नबी यजेकियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 4 से 6 में हम देखते हैं, वास्तव में ये अध्याय 8 और 9 पूरा पूरा यजेकियल जो दिव्य दर्शन देखते हैं उसके बारे में। आप पूरा उस दोनों अध्यायों को पढ़ेंगे तब आप इस बात को समझेंगे। अध्याय 8 में जो कुकर्म यहूदी लोग कर रहे थे उसके बारे में ईश्वर उन्हें दर्शन में दिखाते हैं, यजेकियल को ले जाकर दिखाते हैं, देखो ये क्या क्या हो रहा है इधर। अध्याय 9 में वो बताते हैं कि वो जो कुकर्म नहीं है, जो अच्छे लोग हैं उनमें से, वे कैसे बचाए जाएंगे। अध्याय 9 पद संख्या 4 से 6 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और उससे कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहां हो रहे विभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं, और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। इस पद संख्या 4 में हम देखते हैं कि जो कुकर्म नहीं करते हैं और उन कुकर्मों के कारण विलाप करते हैं, उनके माथे पर, उनके मस्तक पर ताव अक्षर। ताव अक्षर मतलब ये जो इब्रानी भाषा है उसका एक अक्षर है, उसका चिन्ह क्रूस जैसे या एक्स जैसे, अंग्रेजी का जो एक्स है उस प्रकार होता है, उसको कभी क्रूस के जैसे भी उसको लिख सकते हैं लोग, तो वो है ताव। पद संख्या 5 में लिखा है, मैंने उससे दूसरे से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बच ना पाए। आगे पद संख्या 6 में, तुम बूढ़ों, नव युवकों और नव युवतियों को, दूधमुहे बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु
जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है उन पर हाथ मत लगाओ, मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बुड़ों को मार डाला। देखिए यहां भी वो जो चिन्ह है उसी कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लोगों को अलग करके चिन्हांकित करने और उन्हें आने वाली मृत्यु से, कष्ट से और दंड से बचाने के लिए। यहां भी उनके माथे पर वो चिन्ह लगाया गया, मुहर लगाई गई। आप सोच रहे होंगे ये सब बातें पुराने विधान में, नहीं नए विधान में भी है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 2-4 में हम पढ़ते हैं, मैंने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा, जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी। कौन सा मुहर? जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी, और उसने उन 4 दूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाए तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को। यहां भी हम देख रहे हैं एक तरफ विनाश की बात हो रही है और उन लोगों में से कुछ लोगों को बचाने की बात हो रही है, और उन्हें कैसे अलग करके दर्शाएंगे? उनके माथे पर एक मुहर लगाई जाएगी। अध्याय 9 में, प्रकाशना ग्रंथ में ही अध्याय 9 में हम देखते हैं पद संख्या 3-4 में, उस धुएं में से टिटियां पृथ्वी पर उतरी और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं जैसी शक्ति प्रदान की गई। उन्हें यह आदेश मिला कि वे घास अथवा किसी पौधे या वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाएं, बल्कि केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर की मुहर नहीं लगी हो। देखिए यहां एक पहचान है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 में हम देखते हैं, मैंने फिर देखा मेमना सियोन पर्वत पर खड़ा है, उसके साथ 144,000 व्यक्ति हैं जिनके माथे पर उनका नाम और उनके पिता का नाम अंकित है। उन लोगों के माथे पर, यानी जो मेमने के साथ खड़े होंगे उनके माथे पर मेमने का और उसके पिता का नाम अंकित है। आगे और हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 3-5 में हम देखते हैं, वहां कुछ भी नहीं रहेगा जो अभिशाप के योग्य हो, वहां ईश्वर और मेमने का सिंहासन होगा, उसके सेवक उसकी उपासना करेंगे, वे उसे आमने सामने देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर अंकित होगा। वहां फिर कभी रात नहीं होगी, उन्हें दीपक या सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ईश्वर उन्हें आलोकित करेगा और वे युग युगों तक राज्य करेंगे। इन पाठों से हम ये पाते हैं कि ईश्वर अपने प्रिय जनों के माथे पर या जो कोई मुक्ति प्राप्त करेंगे उनके माथे पर एक विशेष चिन्ह से उन्हें अंकित करते हैं, और ये जो प्रथा है, ये जो कार्य है, इसको कलीसिया अपने प्रियजनों से, अपने सदस्यों से, अपनी संतानों से कहती है, हमें क्रूस के चिन्ह से अपने आप को अंकित करने की जरूरत है। इसलिए माथे पर भी अलग से क्रूस का चिन्ह बनाया जाता है, जैसे हम मिसा बलिदान के समय सुसमाचार के पहले हम अपने माथे, अपने होठों और अपने छाती पर हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं अंगूठे के सहायता से। ये वास्तव में हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जहां क्रिस्तीय विश्वास पहले से ही फैला हुआ है, यदि हम वहां जाएं तो आप देखेंगे कि क्रूस के चिन्ह के साथ साथ उसका भी प्रयोग करते हैं लोग, सुबह उठना। लेकिन जितना क्रूस का चिन्ह हमारे शरीर में अंकित करते हैं उतने ज्यादा नहीं उपयोग करते हैं, फिर भी इसका प्रयोग, जैसे चर्च में प्रार्थना के लिए जाएं, सुबह उठें, रात को सोने के पहले प्रार्थनाओं के समय इसका प्रयोग होता है। और मैं इसका हिंदी अनुवाद भी देख रहा था, कहीं इसका हिंदी अनुवाद भी मुझे नहीं मिला। हो सके तो हम आने वाले समय उसके बारे में हम मनन करेंगे, उसको हम अनुवाद करके प्रयोग करेंगे। तो ये रहा वो जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी तक हम चिन्ह के बारे में मनन किए हैं,
अभी हम जाते हैं, वो जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो नाम हम लेते हैं, जो हम प्रार्थना बोलते हैं, जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। हम इसके पहले प्रभु येसु के नाम की शक्ति के बारे में हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, आप जरूर उसको देखिए। नाम का अर्थ क्या होता है हम वहां विस्तार रूप से मनन किए हैं, यदि आप उसको नहीं देखेंगे आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। नाम उस व्यक्ति को प्रस्तुत करता है। जब आप किसी का नाम ले रहे हैं, उस नाम के साथ वो व्यक्ति वहां वास्तव में प्रस्तुत हो जाता है। किसी का नाम उस व्यक्ति को प्रकट करता है और उस व्यक्ति का जो महत्व है हमें उस नाम से पता चलता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं ईश्वर के नाम की। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि जब भी लोग ईश्वर की आराधना करने जाते थे तब ईश्वर का नाम लेते थे। इसलिए ईश्वर अपनी आज्ञा में भी दिए हैं अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। You shall not take the name of the Lord your God in vain. यानी व्यर्थ उस नाम का प्रयोग, ईश्वर के नाम का प्रयोग नहीं करना। विशेष रूप से ईश्वर की आराधना में ईश्वर का नाम हमें लेने की जरूरत है। और ये आराधना, प्रार्थना और ईश्वर की जो बलि है, कलवारी बलि, उसको भी प्रकट करता है वास्तव में। और हम पुराने विधान में बहुत सारे जगहों पर इसके बारे में हम देख सकते हैं। आदम का पुत्र सेत, जो तीसरा पुत्र है, वो ईश्वर का नाम लेते हुए अपना जीवन यापन किया। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 26 में। अब्राहम या इब्राहिम भी ईश्वर का नाम लेते हुए ईश्वर के लिए वेदी बनाकर उनके लिए बलि चढ़ाया करता था। और जो देश ईश्वर उनको देने वाले थे उनको भी ईश्वर के लिए वो अर्पित किया ईश्वर का नाम लेकर, जिसको हम देख सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12:8, 13:4, 21:23 में। और उनका पुत्र इसहाक भी यही करते हैं, वो ईश्वर का नाम लेते हुए ईश्वर के नाम के लिए एक वेदी, बलि वेदी बनाए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 25। और हम स्तोत्र ग्रंथ में इसके बारे में बार बार सुनते हैं, ईश्वर का नाम लेकर हम ईश्वर की स्तुति करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 148 पद संख्या 13, 80:18, 105:1, 54:1, 124:8 विशेष रूप से मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अभी तक हम इस नाम के, ईश्वर के नाम के बारे में जो कह रहे थे उस एक ही वचन से हमें स्पष्ट होता है, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। मतलब प्रभु ही हमारा सहारा है, लेकिन जब हम उनका नाम लेते हैं वहां ईश्वर साक्षात हमारे लिए उपस्थित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर में कुछ काम कर रहे हैं या कहीं भी आप किसी व्यक्ति का नाम लेकर उनसे सहारा मांगते हैं, उनसे आप कुछ मदद मांग रहे हैं, आप देखते हैं वो व्यक्ति तुरंत आ जाता है आपके पास। अरे हम यहां बात कर रहे हैं ईश्वर के नाम को लेने के बारे में। इसलिए यीशु ने कहा तुम प्रार्थना में मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मेरे पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। व्हाटएवर यू आस्क इन माय नेम द फादर विल ग्रांट। और हम बात कर रहे हैं कोई साधारण नाम के बारे में नहीं, ईश्वर के नाम के बारे में, सबसे शक्तिशाली नाम के बारे में। और वास्तव में क्रूस का चिन्ह बनाते समय हम हमारा दाया हाथ और इसकी उंगलियों को कैसे प्रयोग करते हैं, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराओं में अलग अलग रीति से प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से तीन प्रमुख तरीका है जो लोग प्रयोग करते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च में हम देखते हैं कि पांचों उंगलियों को खुला रखकर पांचों उंगलियां हमारे माथे पर लगना है। वास्तव में मैं भी स्वयं भी अनुभव किया हूं कि मैं ऐसे उपयोग नहीं करता हूं, ये चार उंगलियां माथे पर जाता है, ये पांचवा बच जाता है, ये अंगूठा जो है ये बचा रहता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है ये पांचों उंगलियों का प्रयोग का? इसका अर्थ है प्रभु येसु का पांच घाव। क्रूस पर उनको जो पांच घाव प्राप्त हुआ उनके क्रूस मरण के समय उनके दुख भोग के द्वारा, उनको यह प्रकट करता है। और आप कुछ अन्य जो कैथोलिक चर्चेस हैं, जैसे ईस्टर्न चर्चेस या ओरिएंटल चर्चेस हम जो कहते हैं, जैसे
सीरो मलाबार, सीरो मलंगरा और भी बहुत सारे कैथोलिक चर्चेस हैं रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़कर, उनमें सामान्य रूप से ये जो तीन उंगलियों को यानी अंगूठा और दूसरा तीसरा तीन उंगलियों को लेकर एक साथ पकड़ना और ये जो चौथा और पांचवा उंगलियों को हथेली पर दबा कर रखना और ऐसे ही क्रूस का चिन्ह बनाना, ये दो विशेष बातों को प्रकट करता है। ये तीन उंगलियां त्रिएक ईश्वर को प्रकट करता है, उन पर हमारे विश्वास को, और ये जो दो उंगलियां जो हथेली पर दबा के रखी गई हैं, वो इस सत्य को प्रकट करती हैं कि यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर है और पूर्ण रूप से मनुष्य है, उनके दोनों स्वभावों को प्रकट करता है। और कहीं कहीं अंगूठा और दूसरा या तीसरी उंगली या कहीं कहीं सबसे छोटी उंगली का भी प्रयोग किया जाता है एक साथ रखकर क्रूस का चिन्ह, कहीं कहीं जैसे बाइसेंटाइन ट्रेडिशन और कहीं कहीं उसका उपयोग करते हैं, वो प्रभु येसु के ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव यानी एक ही व्यक्ति में दोनों स्वभाव होने के सत्य को, सच्चाई को प्रकट करके उस प्रकार अपनी उंगलियों का क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसे सामान्य रूप से क्रूस का चिन्ह तीन रूप में, माने हाथ, हमारा दाएं हाथ जो है, जब हम क्रूस का चिन्ह बनाते हैं हमारी उंगलियों को इस रूप में रखकर भी प्रयोग करते हैं, इसको भी हम ध्यान में रखें। तो अगली बार जब भी आप क्रूस का चिन्ह बनाएं, इन सभी बातों को ध्यान में रखें। अब हम ये देखें कि कैसे हम इस प्रार्थना को अर्थपूर्ण रूप से और सतर्कता के साथ भी हम इसका प्रयोग करें। सामान्य रूप से हम देखते हैं, हम चर्च में भी देखते हैं, लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, जाके घुटने तो टेकते हैं और क्रूस का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, पता नहीं कि क्या हाथ कहाँ जा रहा है। मैं हाल ही में ही मेरे एक विश्वासी को रोककर उनसे कहा, आप क्रूस का चिन्ह बनाइए, क्योंकि मैं उनको बहुत जल्दी से बनाते हुए देखा, तो मैं पाया है कि उनको स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि हाथ पहले बाएं तरफ जाना है कि दाएं तरफ जाना है, क्योंकि हमारी एक आदत हो गई कि हाथ कहाँ जा रहा है पता नहीं। वास्तव में ये प्रार्थना, ये परम शक्तिशाली प्रार्थना उस रूप में प्रयोग करने के लिए नहीं है, यानी इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं वो हमें बताता है कि हम उसको कितना महत्व देते हैं। यदि हम इस प्रार्थना को महत्व नहीं देते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। इतनी शक्तिशाली प्रार्थना है, आप देखिए जब हम इसको मनन करते हुए आ रहे हैं, जैसे मैंने भी कहा, मैं भी इतने गहरे रूप से इसको कभी जाना नहीं था, तो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगली बार जब भी हम इस प्रार्थना का प्रयोग करें, हो सके तो हम अपनी आंखें बंद करें। यदि आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं, कहीं आप चर्च को देख लिए, कहीं कहीं हमारे विश्वासी करते हैं, चर्च को देख लिए, आप क्रूस का चिन्ह बनाना चाहते हैं, आप आंख बंद मत करिएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं मैं ऐसे भी सुना हूं। लेकिन जब हम क्रूस का चिन्ह बनाए, हम अपनी आंखें बंद करें जितना हो सके, और जब हम पिता का नाम ले रहे हैं, हम विश्वास के साथ अपने आप से कहें और सचेत मन से पूरा कॉन्शियसनेस में रहकर अपने आप को याद दिलाकर हम ये प्रार्थना। तो इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम क्रूस के चिन्ह के बारे में हम गहरे रूप में जानने का प्रयत्न किया, कोशिश किया, और ये जो बातें हमने सुनी सीखी इनको भी हम ध्यान में रखें। जब हम पिता का नाम लेते हैं उसका अर्थ क्या है, जब हम पुत्र का नाम ले रहे हैं उसका अर्थ क्या है, और पवित्र आत्मा के नाम पर जब हम बोलते हैं उसका अर्थ क्या है, इन सबको यदि हम ध्यान में रखकर यदि हम करें, मैं विश्वास करता हूं कि हमारा क्रिस्तीय जीवन और विशेष रूप से जो प्रार्थना हम कर रहे हैं, सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना, ये शायद हम और भी गहरे रूप से अनुभव करके करेंगे और हमें उसका फल प्राप्त होगा। और इसके द्वारा हम क्या क्या प्रकट करते हैं, बताते हैं, उसको हम आने वाले समय में मनन करेंगे, जानेंगे। आप उसको भी जानेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्रूस का चिन्ह का अर्थ इतना गहरा है और इतने अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं क्या। लेकिन तब तक आप इसको, इस एपिसोड को आप बार बार सुनिए और लिख के भी रखिए, दूसरों को भी शिक्षा दीजिए और स्वयं भी इसको ग्रहण करके, अनुभव करके गहरा करिए। और मैं जरूर आपके कमेंट्स देखना चाहूंगा और दूसरों को भी, विशेष रूप से जो विश्वास इसका प्रयोग नहीं करते हैं या जो लोग आपसे इसका अर्थ पूछते हैं,
आप जरूर इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करिए। प्रिय की ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।